नेशंस नॉलेज न्यूज नेटवर्क के कोरोना कोविड 19 के स्पेशल शो की दूसरी कड़ी में मैं सुमन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप पहली कड़ी नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूं, आप देख लें पहली कड़ी को, फिर आपको दूसरी कड़ी समझने में आसानी होती है या होगी। दूसरी कड़ी की शुरुआत पुणे युवान सिटी से होती है। कोविड 19 यही वो सिटी है, कोविड 19 का जो संक्रमण है इसकी जो जन्म धरती है वो यही है। युवान में नवंबर के पहले सप्ताह में ही इसकी शुरुआत हो गई थी और उस समय वहां युवान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डॉक्टर ली वेल्यान ने अपने सभी टीम को आगाह भी किया था, साथ में अपने जितने भी जो मैट जैसे हम लोगों की सोशल मीडिया होती है, जैसे लोग टिकटॉक होते हैं अभी, जैसे फेसबुक है, इसी तरीके से वहां भी वीमैट है, वहां पे जैसे हम लोग का इधर यूट्यूब होता है उधर यूट्यूब करके होता है, तो यहाँ के ये डॉक्टर जो ली विलियानी जो अब नहीं रहे, ये सबसे पहली बार उन्होंने इस संक्रमण के बारे में अपने एलुमनी ग्रुप में सबको शेयर किया था, लेकिन चीनी गवर्नमेंट ने इस बात को दबा दिया, बिल्कुल ही आउट नहीं होने दिया वहीं पे। और ये वही डॉक्टर थे जिन्होंने कोरोना से पूरी दुनिया को पहली बार आगाह किया था और बताया था कि ये इस एक प्रकार की महामारी वाली है और ये कोरोना ग्रुप के ही बहुत ही खतरनाक, इन्होंने ही पहली बार बताया था कि ये महामारी कोरोना ग्रुप के सबसे खतरनाक वायरस है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इस पे पूरी चीनी सरकार को एक्शन लेने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन इनकी बात जब इनकी वीडियो वायरल होने लगी तो इनको दबा दिया गया और उल्टा चीनी सरकार ने अफवाह फैलाने के आरोप लगाया इनके ऊपर और इनसे लिखित जो है माफी नामा होता है वो इनको मांगनी पड़ी थी। तब तक इतने होते होते नवंबर और दिसंबर दो महीना बीत खत्म हो चुका था। डॉक्टर ली विलियान मरीजों के इलाज करते करते खुद भी संक्रमित हो गए थे क्योंकि काफी टाइम इनको पता चल गया था, इनके ग्रुप के 6-7 जो पेशेंट डॉक्टर्स भी थे और 6-7 पेशेंट के साथ मिलकर के वो वहां पे पूरी तरीके से जांच पड़ताल में उस वायरस का जो हरकत थी अपने माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखना शुरू किया और जैसे ही देखा तो कुछ दूसरे टाइप की उसकी हरकत थी। वो जैसे कहा जाता है कि वो उसका जो था सारस और जो हंता और कोरोना के जो और भी प्रजातियां होती है, कोरोना में बहुत सारे कैटेगरी है आप लोगों को पता होना चाहिए ये इसके जो ब्रांचेज है, क्योंकि कोरोना एक वायरस का मेन समूह है, उस मेन वायरस का एक समूह है, एक क्लस्टर है जिसमें से ब्रांच वाइज कई सारे प्रकार के ग्रुप निकलते हैं, उसी में से कोविड 19 एक प्रजाति है, मतलब एक अंश है, एक पार्ट है। तो सिर्फ कोरोना मतलब हम लोग सिर्फ एक ये नहीं समझ लेते कि एक ही वायरस है, कोरोना ग्रुप में बहुत सारे होते हैं, जैसे सारस भी कोरोना का ही पार्ट है, जैसे आपका कोविड 19 ही भी कोरोना का ही पार्ट है। तो इन्होंने सारी बताया और नवंबर दिसंबर बीत गया तभी भी वहां का कोई एक्शन नहीं हुआ, सरकार ने किसी प्रकार का कोई बात नहीं की और जनवरी में 12 जनवरी के अंततः उनको जो है भर्ती कर लिया गया और 30 जनवरी के बाद वो वेंटिलेटर पे चले गए, ये डॉक्टर ली विलियान इनकी जो वेंटिलेटर पे चले गए और लास्ट में वो 7 फरवरी को इनकी डेथ हो गई कोरोना संक्रमण से। ये उस समय इनकी उम्र 32 ईयर्स 32 साल के युवा अवस्था में थे और चीनी मतलब जानकारों का कहना है कि चीनी सरकार ने वीडियो वायरल करने की उनको सजा दी है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस या जो विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय जो ये कम्युनिस्ट सरकार है इनकी जो पॉलिसी आइडियोलॉजी को जो समझने वाले लोग हैं, विदेशी इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस या अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार, ये लोग का कहना है कि चीनी सरकार ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए और इनको कोरोना कोविड 19 जो है इसको लीक करने या ये मीडिया में वायरल करने या जो पॉलिसी है उसको नुकसान करने, मतलब जो एक गाइडलाइंस होती है कॉन्फिडेंशियल गाइडलाइन जो किसी भी वायरस लीक हो रही है तो उसका कॉन्फिडेंस बना करके रखने एक देश के अंदर में या एक अपने इंस्टीट्यूट के अंदर में, इसकी जो नीति नियम है उसका उल्लंघन किया इन्होंने।
तो ये इनका कहना था। इसी जान इसी के बाद जो है अगली जो संक्रमित और अगली खबर में बल और तब मिल जाती है जब डॉक्टर ली वेलियन के समय में जितने भी संक्रमित करीब 20,000 लोग उसी समय तक नवंबर दिसंबर और जनवरी आते आते चीन में तकरीबन 20,000 लोग संक्रमित हो जाते हैं और वहां संक्रमित लोगों के वहां एक जो है मारने उन सारे लोगों को मारने के लिए वहां चीनी गवर्नमेंट ने मतलब ये उनका कहना है कि सुप्रीम पीपल बोर्ड में एक अर्जी भी दी जाती है लेकिन सरकार इस बात को जो कोई पुख्ता प्रूफ इंटरनेशनल मीडिया कर्मी या बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता है जिसके कारण सरकार इस बात को भी छिपा लेता है मतलब इसको भी लीकआउट नहीं होने देता है कि जैसे अब ये भी हम लोग का कंफ्यूजन है कि युवान के जो युवान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वहां से या युवान मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो है वो वायरस लीक हुआ या तो ये वहां का मच्छी मार्केट से लीक फिश मार्केट से हुआ ये किस जगह से हुआ अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। तो वही सिचुएशन वहां भी क्रिएट हो गया जिसके कारण हमें आज इतनी बड़ी तबाही देखने को मिल रही है। अब एक और दिलचस्प थ्योरी को समझिए। युहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में हंता सारस कोरोना जैसे अनेक वायरस पर रिसर्च के लिए जनवरी 2018 में ही चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित या शंघाई में स्थित जो अमेरिकी दूतावास है उसने इस पर इंटरेस्ट लेना शुरू किया था बल्कि इंटरेस्ट ही नहीं हिस्सा भी लिया था और जनवरी 2018 से मार्च 2018 के बीच अपने कई वैज्ञानिकों को इस लैब में भेजा जिसमें अमेरिकन वैज्ञानिक का जो लास्ट विजिट था वो 27 मार्च में जो है वो 27 मार्च के आसपास में था। ये है डॉक्टर ली विलियन एंड ये है जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट वो युवान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वो यही है जहां से माना कहा जा रहा है कि वायरस का लीक हुआ है और इसमें कई बार अमेरिकी जो वैज्ञानिक है इसको भेजा गया। लास्ट विजिट जो थी उनकी 27 मार्च को हुआ था और यूएसए के वैज्ञानिक ने युवान के लैब से संबंधित तो दो रिपोर्ट मतलब खुफिया रिपोर्ट उन्होंने वहां से हासिल किया था और दोनों जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसका कुछ और नाम है कॉन्फिडेंशियल जिसको हम लोग रिपोर्ट कह सकते हैं और या केवल कहिए सिंपल जो उसके लैंग्वेज है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज तो उसमें दो भेजा था दो केवल या दो रिपोर्ट भेजा था जिसमें जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पहला था उसमें ये कहा गया था जो ये अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी पेंटागन को लिखा था उसमें ये कहा गया था कि जो युवान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वहां पे जितने भी डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं या मेडिकल स्पेशलिस्ट है जो इस इतने डेंजरस वायरस पे रिसर्च कर रहा है उसमें वहां की जो मानक स्टैंडर्ड है मतलब जिन जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं होते हैं किसी भी लैब के रिसर्च के लिए या किसी वायरस के ऊपर या किसी भी खतरनाक इस प्रकार की जो वायरस होती है उस पे कोई भी रिसर्च किया जाता है तो उसके लिए उस मानकों की स्टैंडर्ड वहां बहुत कम थी और वहां पे लीक होने की खतरा बहुत ज्यादा था। अब सुरक्षा मानकों में क्या क्या आता है ये भी समझना है तो ये समझिए कि सुरक्षा मानकों का पहला सबसे जो स्टैंडर्ड है BCL-4 माना जाता है। BCL-4 का मतलब होता है कि सारे सुरक्षा से लैस मतलब वैसे ही नॉर्मली कोई भी इंसान उसमें जैसे उसका पीपी होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है उसके साथ उसके ऑक्सीजन मास्क पूरी लगा करके जाते हैं मतलब पूरी उनकी बॉडी सेफ होती है लैब के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर अप टू डेट होने चाहिए तो ये सब था। इसी मानक को BCL-4 कहा जाता है जो यूएसए में ऐसे सिर्फ 4-5 लैब है सॉरी वहीं हमारे इंडिया में ICMR में ICMR का मतलब हो गया आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उनके पास सिर्फ हमारे पूरे देश में उनके रिकमेंडेशन और WHO और बाकी कई सारे जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के वो सारे के रिकमेंडेशन और उसके गाइडलाइंस के बेसिस पे एक बनाया गया सिर्फ एक है वो भी पुणे में है और इतने इसके अब सोचेंगे कि इतने कम मानक मतलब इतने ज्यादा मानक है और कम इतने लैब क्यों है तो इतना कम लैब होने के कारण यही होती है कि इसकी बहुत ज्यादा उसमें केयरनेस का जरूरत होता है और बहुत ही ये यूनिक होता है। यूनिक का मतलब इन द सेंस कि ये बहुत ही इसके लिए टेक्नोलॉजी और जैसे इनके जितने भी इन्फेक्शन का जो फैलाव होता है उसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत होती है और बहुत
वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स चाहिए, रिसर्चर चाहिए, और इसके लिए एक पूरी टीम की जरूरत पड़ती है, और बड़ी बहुत बड़ी रिसर्च है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो भी इससे इस फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, तो उस पर महारत हासिल होनी चाहिए वैसे व्यक्ति को, तभी वो वहां पे जाते हैं। तो हमारे देश में इसे एक ही है, युआन की जो ये लैब थी, वो BCL 4 लैब तो थी, लेकिन फिर भी यहाँ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं था, बहुत कमी था। और इसी इसका हेल्प हालांकि अमेरिका से कई बार मांगा गया, लेकिन अमेरिका ने एक बार हेल्प किया, टेक्सास कोई इंस्टीट्यूट है वहां से उन्होंने हेल्प किया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसके कई बार फिर पुनः मदद मांगा कि हमें और भी आपकी जरूरत है, लेकिन इसने नहीं दिया। फिर भी जब इसको पता था ये चीन को कि पूरी हालत ऐसी है, तो इनको नहीं करना चाहिए था, उसको जो ये रिसर्च थे उसको और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, या और उस पे केयरलेसनेस जो हुई ये नहीं करना चाहिए, जिसके कारण आज लाखों करोड़ों लोग की मौत जिंदगी से जूझ रही है, और सब मौत के मुंह में जाने के लिए आज सबको धकेल चुका है चाइना। तो इस बात के चलते आज पूरी विश्व में ये महामारी फैली हुई है, और ये जो राज है, ये राज पुनः कई बार ये चाइना बार बार छुपा रही है। इस युआन सेंटर फॉर जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है, इसमें रिसर्च के कुल आप देखेंगे तो 5 डिवीजन का, सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी एंड सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी एंड नैनो बायोलॉजी, सेंटर फॉर बैक्टीरिया एंड वायरस रिसर्च एंड एप्लीकेशन, सेंटर फॉर वायरस पैथोलॉजी एंड सेंटर फॉर इमर्जिंग इन्फेक्शन डिजीज। ये सब ही क्रिटिकल सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो रिसर्च है वो सब क्रिटिकल सब्जेक्ट मैटर है, जिससे रिसर्च होती है। इसके लिए भारी मानकों की जरूरत होती है, जिस पे रिसर्च किया जाता है। कोई भी अगर एक छोटा सा भी वायरस लीक हो गया तो उससे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, वही कीमत आज हम लोग चुका रहते हैं। अब चलते हैं दूसरे रिपोर्ट की ओर। उसमें कहा गया ये भी बात कि युआन इंस्टीट्यूट ऑफ इस वायरोलॉजी में इक्विपमेंट्स की, मैंने पहले भी बोला, और एक्सपर्ट की, डॉक्टर की जो रिसर्च है, ट्रेन जो मेडिकल स्टाफ, इन सब की भारी कमी है, इसके बावजूद रिसर्च चलते जा रही है। मतलब ये निग्लिजेंस ही ना हुआ, ये तो बहुत बड़ा निग्लिजेंस हुआ। जबकि यूएसए में आपको अंदाजा होगा, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावरफुल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और सबसे शक्तिशाली देश है, और उसने 2015 के में एक इस प्रकार का ही रिसर्च कर रहे थे अपने वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में, और उसमें उनको भी लगा कि हो सकता है इस पे थोड़ी सी कोई भी वायरस लीक हो सकती है, तो उन्होंने तुरंत इसका जो भी उनका रिसर्च था उसको रोक दिया। तो इसको भी रोकना चाहिए, ये क्यों नहीं रोका? इसका मतलब ये बिल्कुल लापरवाह तरीके से किए, जिसकी आज हमें ये सजा भुगतनी पड़ रही है। अब चलते हैं थोड़ी सी हम लोग आगे की ओर, आगे की बात करते हैं। अब युआन की और चीनी गवर्नमेंट की कुछ जो पॉलिटिकल या इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस की जो कुछ बीच में मतभेद है, मतलब चीनी पॉलिटिशियंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस के बीच में जो कुछ मतभेद है, और जो पूरी दुनिया इस नजरिए से देख रही है। हालांकि आप लोग तो बहुत सारे लोग आप जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ऐसे भी जितने भी देश इससे संक्रमित है, और वो सब अभी की बुरी स्थिति है, इसे निपटने के बाद हालत क्या होगी वो तो देखने वाली होगी, लेकिन फिलहाल अभी सब उसकी आलोचना और आलोचक ही है। तो चलिए उस पर देखते हैं एक नजर। अब चलिए एक नजर देखते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिशियन है या आलोचक है, उनका क्या कहना है। उनका कहना यह है कि सबसे और भी दिलचस्प बात यह हो जाती है कि ये रहा चाइना। अब यहाँ पे जैसे ये मैंने बताया आपको, चाइना अभी चाइना की अभिरासी हजार ये स्टेबल है अभी भी, देखिए, और पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है। तो खैर इसकी बात बाद में करेंगे, और पहले भी कर चुके हैं, तो आप देखेंगे ये चाइना हो गया। चाइना से आप देखेंगे यहाँ पे है यूके, इंग्लैंड, इसके बाद आपको यहाँ पे फिनलैंड हो गया, यहाँ नॉर्वे हो गया, यहाँ यूक्रेन हो गया, रोमानिया हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, अब सबकी जर्मनी हो गया, रशिया हो गया। अब सबकी दूरी यहाँ पे देखिए, स्पेन की दूरी 8,700 किलोमीटर होता है यहाँ से, इसके बाद स्पेन की 9,900 है यहाँ से, इसके बाद यूएसए की दूरी यहाँ से करीब 11,500 किलोमीटर है, इसके बाद आपकी कनाडा की जो दूरी है 9,700 के आसपास है। इसी तरीके से आपकी जो भारत है, हमारा इंडिया की दूरी चाइना से, हालांकि यहाँ देखने से आपको बहुत पास में नजर आ रहा होगा, लेकिन इंडिया की दूरी करीब करीब 4,000 के आसपास, 3,800 किलोमीटर है यहाँ से।
तो अंदाजा लगाइए इतने दूर होने के बाद भी इधर नहीं फैलता है, और सिर्फ ये चाइना जो है इस चाइना की अपने देश के अंदर आप यहाँ देख रहे हैं सिर्फ इन जगहों पे फैला है, और कहाँ पे ये जो इनकी अपनी अभी दिखने को मिल रहा है कुछ कुछ जगह पे जा रहा है, लेकिन हुबे से आपका सिंघाई, इसके बाद इनकी अपना जो राजधानी है इधर तिब्बत की ओर, इधर इधर कहीं नहीं फैला है, बहुत छिटपुट फैला है। और इसकी जो आर्थिक राजधानी आपका सिंघाई हो गया, इसके बाद अपनी पॉलिटिकल राजधानी जो बेजिंग है, इन सारी जगहों पे ये बिल्कुल नहीं फैला है, बाकी दो चार शहर में ही अभी इसका छिटपुट दिखा रहा है। तो सिचुएशन वहीं पे अभी नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल नहीं है, इधर देखेंगे आपको नॉर्थ कोरिया में नहीं दिखाई देगा, साउथ कोरिया में दिखाई दे रहा है। तो स्थिति ऐसी हालत देखिए, नॉर्थ कोरिया में अभी एक भी नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे, जबकि चाइना के बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है, और साउथ कोरिया का कोई भी बॉर्डर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और फिर भी यह साउथ कोरिया यहाँ से बिल्कुल अलग है क्योंकि बीच में ये LOC पड़ता है, और इसके बाद भी यहाँ पे इतने मात्रा में है, जबकि नॉर्थ कोरिया में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जो वहाँ पे किंग है किंग जॉन, उससे इसको डर हो सकता है, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का मानना है। तो ये है स्थिति कि चाइना खुद अपने देश को किसी अन्य शहर में फैलने से रोक दिया और पूरी विश्व में फैला दिया। तो इन सारी बातों से एक ही चीज समझ में आती है कि चाइना ने अब मतलब पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था को लेकर डुबाने का या पूरी अर्थव्यवस्था को खत्म करने का, जबकि आप जानते होंगे कि करीब करीब अभी 150 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी, उसको ध्वस्त कर चुका है, और चाइना की सिर्फ जो हर चीज का है उत्पादन क्षेत्र हो चाहे उसकी किसी भी फील्ड का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो उसकी जो बिजनेस का कोई भी आप मोड देखें, उसमें उसके प्रोडक्शन पहले से कई गुना ज्यादा हो गया है। तो चाइना ये अभी वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इकोनॉमी वाला देश बनने की होड़ में आगे सबसे आगे चल रही है। तो आने वाली वक्त ही बताएगी कि आलोचक और भी हैं, और इसमें जो दुनिया के राजनीतिज्ञ और जो इन इंटरनेशनल कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो जानकार है, ये सब आगे क्या कहते हैं और उनकी क्या राय है, आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कुछ दिलचस्प बात ऐसे होती है जो समझ में नहीं आता है, इतने दूर दूर के देशों में आपका कोरोना COVID-19 पहुंच जाती है और चीन के खुद के अपने देश के अंदर में पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती है, वहीं ऊपर में रसिया है, वहां भी नहीं पहुंची है, बहुत कम पहुंची है, हालांकि अभी पहुंचना उधर भी शुरू हो गया है। और इसके बाद चीन के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी सत्ताधारी या वहाँ के जो खुद का प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है राष्ट्रपति, वो ऐसे ही घूम रहे थे कुछ दिनों पहले बिना मास्क के और एक नॉर्मल मास्क पहन करके, जबकि वो सबसे ज्यादा संक्रमित और सबसे डेंजरस जोन वो हुबे प्रांत है, उस हुबे प्रांत के युआन सिटी में घूम रहे थे, तभी भी उनको देखा गया। तो इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि उसके पास ये सारी सब की सारी कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स या कुछ ऐसे उससे लड़ने की क्षमता उसके पास अधिक है दुनिया के अपेक्षा। तो हो सकता है इससे, जबकि आप देखेंगे तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ब्रिटेन हो जाए, चाहे इंडिया हो, चाहे बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड और जितने भी बड़े बड़े जो वर्ल्ड के बिजनेस आइकन हो या बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे हेल्थ मिनिस्टर आपका कहाँ के ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर को हो गया, ऑस्ट्रेलिया के होम मिनिस्टर को हो गया को पाया गया पॉजिटिव, फिर जो प्रिंस चार्ल्स है उनको हो गया, स्पेन और कनाडा के जो PM की पत्नी वाइफ है उन लोगों को हो गया, भारत के कई मंत्री सांसद जो है हमारे गुजरात के उनको हो गया, हॉलीवुड स्टार बॉलीवुड स्टार भी अछूता नहीं है, दुनिया के कई सारे दिग्गज हस्तियों को में पॉजिटिव पाया गया। अब तो आज का रिपोर्ट यह भी है कि हमारे जो इंडियन नेवी है उनकी 21 जवानों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो स्थिति हमारे लिए इतनी भयावह और खतरनाक बनी हुई है, हमारा देश अभी भी लॉकडाउन में है पूरा, आप देख रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश की वही हाल है, पंजाब की वही हाल है, जहां आप देखें वहां पे आपको ट्रैक करेंगे तो वहां पे मिलेगा 4,203 की स्थिति है। मैं तो बहुत बार इसका बना चुका, आपको बता चुका आप लोगों को, 35 अभी असम में भी देखने को मिला, महाराष्ट्र की हालत देखे तो ये है, आप गुजरात की हालत देखे तो 1,743 105 रिकवर हुए और 63 की डेथ हो चुकी है।
तो हालात इस तरीके हैं। अब पाकिस्तान ने अपना पूरा बॉर्डर खोल दिया है, तो उसको पूरी तरह सारा सहयोग करने के लिए, हेल्प करने को तैयार है। तो इस तरीके से अब हम लोग कुछ भी कहना इसके समझ में हमें, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चाइना का क्या व्यू है और क्या कहना है। अभी तो सारे देश इस महामारी से निपटने में परेशान है, कोई भी चाहे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल देश यूएसए हो, इटली हो, स्पेन हो, जर्मनी हो, पुर्तगाल हो, चाहे वो रसिया हो, सब देश यहाँ पे आप देख रहे हैं, म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो इससे अछूता है। सब में ये बीमारी फैली हुई है और ये महामारी के चलते पूरा विश्व लॉकडाउन है, आप सभी को पता ही होगा। और अब आने वाले टाइम में कब लॉकडाउन होगी, कुछ देश तो ऐसा है कि जो लॉकडाउन खोलने के चक्कर में है कि क्योंकि उसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब, अर्थव्यवस्था उसकी पूरी चरमरा गई है और लोग जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अब रोड पे आने की हालत हो गई है। हो ना हो आने वाले समय में हमारे देश का भी ऐसा ही स्थिति ना हो, इसलिए बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो कठोर कदम या ठोस कदम उठाने होंगे इसके खिलाफ। अब चलते हैं अगली बड़ी कड़ी की ओर। कहा जा रहा है कि दुनिया जहां कोरोना से जो निपटने में परेशान है, वही चीन अब आर्थिक सुधार, सैन्य शक्ति परीक्षण भी पर जोर दे रहा है। ये आप लोगों को सुनने में होगा। आईएमएस इंटरनेशनल जो मॉनिटरी सिस्टम है जो न्यूक्लियर परीक्षण करने वाले देश को चिन्हित करता है, आईएमएस कई सारे मतलब आईएमएस के जो स्टेशन है, जो आईएमएस होते हैं इंटरनेशनल जो मॉनिटरी सिस्टम होता है, जो कोई भी देश अगर जैसे मान लीजिए पूरे विश्व का ये मानचित्र है, यहाँ पे कहीं भी कोई भी अगर किसी भी कंट्री में कोई अगर न्यूक्लियर परीक्षण करेगा, जैसे न्यूक्लियर परीक्षण करने का जो स्पॉट होता है, जगह होता है हमारा राजस्थान में, वैसे जिसको पोखरण कहते हैं, और ऐसे ही पोखरण मतलब जहां न्यूक्लियर का टेस्ट होता है उसे पोखरण कहते हैं, तो ऐसे ही कहीं विश्व के किसी भी जगह पे अगर कोई न्यूक्लियर परीक्षण करता है तो वो जो स्टेशन है वो स्टेशन पूरी तरह से उसको डिनोट करता है और बताता है कि हाँ यहाँ पे न्यूक्लियर की जो परीक्षण हुई है या इस प्रकार की कोई हलचल हुई है। अब उसके टेस्ट में पूरी दुनिया जब यहाँ पे परेशान है कोरोना से, तो चीन जो है वो लाइट न्यूक्लियर जो परीक्षण है उसका उसमें लगा हुआ है और उसका परीक्षण कर रहा है। और इस मतलब जब ये हालात पूरी इकोनॉमिक खराब है, करीब पूरे विश्व की 200 ट्रिलियन की इकोनॉमिक को ताला लगा दिया है और पूरी मानव प्रजाति को मौत के मुंह में धकेल दिया है और खुद को सेफ कर लिया, और फिर पूरी समझिए तो विश्व की जो ढांचा है उसको उसको ढांचा ही नहीं, उसको जो पूरी स्थिति है उस पर तालाबंदी कर दिया है और अपना खुद का जितने भी आर्थिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे उसकी जो सैन्य शक्ति है, वो सबका परीक्षण युद्ध स्तर पे कर रही है। तो चाइना का क्या मंशा है आने वाले वक्त ही बताएगी, या तो ये चीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने की होड़ में सबसे आगे दौड़ रही है, या सबसे आगे हो भी जाएगी, या वो कल आने वाले समय में वो दुनिया पे राज करेगी जैसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका का टाइम आया था, वैसा कुछ करना चाह रही है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसी से रिलेटेड कोरोना से अन्य कई पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इससे जुड़ा हुआ और हम लोग इसे हेल्थ से रिलेटेड भी कई सारे टॉपिक्स को लेकर के, मतलब इसी मेन कंटेंट हमारी कोरोना रहेगी, इससे रिलेटेड हम लोग आप कई सारे विषय वस्तुओं को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।